हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं क्या सेंटीमेंट्स है। आज 25 जनवरी है, 26 के उसमें कल छुट्टी रहेगी। तो इंडियन मार्केट में MCX में फ्राइडे, सैटरडे, संडे, फिर मंडे को ट्रेडिंग ओपन होगी। उसके रिस्पेक्ट में अगर आप देखोगे तो कॉमेक्स में थोड़ा सा ट्रेडिंग चलती रहेगी, तो उसका इम्पैक्ट हमें मंडे को भी देखने को मिल सकता है। ये आपके लिए जस्ट एक इन्फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए था। साथ में हम नए हैं तो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशन के साथ में अपडेट मिलती रहे। यहाँ मैं जो भी कंटेंट आपके साथ शेयर करता हूँ सिर्फ लर्निंग पर्पज के लिए रहता है। रिस्क रिवार्ड को मैनेज करने के साथ में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, यहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हैं, जिसमें मैं अपने व्यूज़ को पोस्ट करता रहता हूँ। सीधे चलते हैं फ्रेंड्स चार्ट पे। चार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो जिसने कल का हाई बनाया था लगभग उसी के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं इसके लिए इम्पोर्टेंट बना। अगर उस कंडीशन को हम देखने की कोशिश करते हैं तो ये कल का हाई था, सिमिलर उसी लेवल पे ये आज भी ट्रेड कर रहा है। और फाइनली इसकी क्लोजिंग जो अभी पॉसिबिलिटीज़ दिखाई पड़ रही हैं, जो आज इसने बेस बनाया हुआ है, इसी के आसपास कहीं क्लोजिंग करने की कोशिश करेगा। अपसाइड करता है तो बहुत अच्छा रहेगा, 72 के ऊपर क्लोज करता है तो आई होप अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है तो हमें पॉजिटिव सेंटीमेंट्स देखने को मिलेंगे नेक्स्ट वीक में। दूसरा, अगर इसमें कुछ न्यूज़ की हम बात कर लेते हैं तो यूरोपियन यूनियन बैंक है, सेंट्रल बैंक है, वहाँ से कुछ डेटा आया है कि उन्होंने भी जो इंटरेस्ट रेट को उसको स्टेबल रखा है और फर्दर कट करने का वो तभी कोशिश करेंगे जब कुछ उन्हें ऐसा इंडिकेशन दिखाई पड़ेगा। तो उन्होंने एक बैलेंस रिएक्शन दिया है, बहुत ज़्यादा इसमें पॉजिटिव या निगेटिव ऐसा सेंटीमेंट्स नहीं दिया है कि क्या करने वाले हैं, लेकिन होपफुली अभी मार्केट में जो बड़े प्लेयर्स हैं, बैंक्स हैं, चाहे US का बैंक हो या यूरोप का बैंक हो, सभी अभी स्टेबल बने हुए हैं और उसको वेट एंड वॉच सिचुएशन में बने हुए हैं कि जब तक इन्फ्लेशन और अदर जो चीज़ें हैं वो एक कंट्रोल में नहीं आ जाती हैं तब तक मार्केट में बड़े चेंज होने के चांसेस थोड़े भी कम ही देंगे। अभी हम ट्रेडिंग की पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो जो लेवल अभी इसने आवर्ली टाइम फ्रेम में बना रखा है, ये होपफुली एक अच्छा हायर साइड में क्लोज करने की कोशिश कर रहा है। साथ में EMA को अगर आप देखते हो तो यहाँ इसका भी EMA का भी सपोर्ट लेता हुआ चल रहा है। तो यहीं से अगर आप देखो सिर्फ EMA को ट्रेड कर रहे हैं तो आपको अच्छा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आप किसी भी एक सेंटीमेंट्स को फॉलो करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस, EMA या फिर आपका जो भी बेटर इंडिकेटर है वहाँ आप ट्रेड करते हो। अब फाइनली यहाँ से 72,000 के ऊपर मार्केट निकलेगा तो ये ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट इसको करना चाहिए हायर साइड में। और क्लोजिंग यहाँ ओपन होता है और क्लोज भी कर देता है ऊपर की तरफ, तो हमारे लिए बेटर मूव इसको देखने को मिलेगा जो नेक्स्ट सेंटीमेंट्स में आपको मिल सकता है। तो फाइनली अभी हम यहाँ निगेटिव के लिए नहीं जाएंगे, एक अगर आप बाइंग साइड में हैं तो वेट करिए, प्लस अगर आपने कुछ प्रॉफिट किया है तो कुछ अपना बुक भी कर सकते हैं, क्योंकि 2 दिन के बाद जब मार्केट ओपन होगा तो सेंटीमेंट्स लेके ओपन होगा कि उसमें करना क्या है उसको। फाइनली अभी एक अच्छे रेंज से ऊपर निकला है तो होपफुली पॉजिटिव सेंटीमेंट्स आपको देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में भी। जो हमारी वीकली एनालिसिस थी अगर उसकी बात करते हैं तो यहाँ हम 70,000 तक का प्रेडिक्शन था, इसने लो का जो फॉर्मेशन किया है 70,000 के आसपास किया है, लगभग उसे 300-350 पॉइंट नीचे आया फिर वहाँ से ऊपर निकल गया। तो ये सारी कंडीशन रहती हैं, मैं आपके साथ जो भी शेयर करता हूँ सिर्फ लॉजिकल वे में रहता है, तो आप यहाँ मेरे साथ जुड़ सकते हैं और लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। यहाँ भी अगर आप देख रहे हैं एक रेंज बना रहा है, हायर साइड में रेंज है, तो कहीं ना कहीं ये अच्छी कंडीशन में बना हुआ है। साथ में अब इसकी क्लोजिंग अगर फ्रेंड्स ऊपर हो जाती है, कहीं इसके आसपास क्लोज कर देता है तो एक अच्छा लेवल हमें देखने को मिल सकता है, फिर इसको हम ब्रेक करेगा तभी हम ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। तो हमारे लिए 73,000 का लो लेवल भी नेक्स्ट वीक के लिए ओपन होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो इन सारी कंडीशंस को अगर हम मैच करते हुए चलते हैं तो मार्केट एक अच्छे पॉजिटिव सेंटीमेंट में है। साथ में अब डेली टाइम फ्रेम में भी अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो डेली में भी एक अच्छा बुलिश ट्रेंड बनाने की कोशिश कर रहा है और उसका क्लोजिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे EMA का भी अगर आप देख रहे हैं तो जो पिछले वीक में अगर आप देख रहे हैं मैक्सिमम जो ट्रेड रहा है जनवरी मंथ में अगर आप देखते हैं तो 2 से 3 दिन ही आपको ऐसे दिखे हैं जहाँ पे थोड़ा अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ी, अदरवाइज लगातार सेल साइड में बना हुआ था मार्केट। अब थोड़ा इसने ऐसा सेंटीमेंट पकड़ा है कि लगातार 2 दिन में ये
पॉजिटिव सेंटीमेंट्स में है। यहाँ डाउन साइड क्लोज करने के बाद भी ओपनिंग हुई नीचे की तरफ, लेकिन फाइनली इसने ऊपर की तरफ क्लोज किया है, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव बना हुआ है। पोजिशन आपको अगर लेके जाते हैं तो एक रिस्क को मैनेज करते हुए जाइए। साथ में 72,300 पहला यहाँ पे रेजिस्टेंस रहेगा इमीडिएट, और ट्रेंड लाइन इसके फॉलो करनी चाहिए। तो दोनों कंडीशन में आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट ही आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। अगर आज के मोमेंटम की बात कर लेते हैं तो इसने लो का फॉर्मेशन किया था लगभग 700 के आसपास, 71,700, और हाई इसने जो लगाया है जो कल का हाई था उसी के आसपास बनाने की कोशिश कर रहा है, जो कि 72,150 के आसपास है। तो फाइनली क्लोजिंग फ्रेंड्स इसमें पॉजिटिव साइड में होनी चाहिए होपफुली। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट वीक में जैसा सेंटीमेंट रहेगा, मैं आपके साथ लर्निंग कंटेंट शेयर करता रहता हूँ, वो आप उससे जुड़ेंगे तो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ में लर्निंग भी मिलती रहेगी। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली एक आपको एक पॉजिटिव सेंटीमेंट्स में लेके जाएगा मार्केट। थैंक यू।